बड़ी जानकारी का रुख करते हैं। आईएएस की तबादला सूची जारी, सूची में 70 से ज्यादा नाम बताए जा रहे हैं और नवीन जैन को नई जिम्मेदारी बताई जा रही है। आधा दर्जन कलेक्टर भी बदले गए हैं ये बताया जा रहा है। कुंजीलाल मीणा का नाम भी शामिल है इसमें और ये तबादला सूची जिसमें कई नाम, और ये आपको वो सूची दिखा रहे हैं जिसमें वो नाम है जिनके तबादले किए गए हैं, श्रीमती वीनू गुप्ता, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, श्रीमती शुभ्रा सिंह, कुंजीलाल मीणा, आलोक गुप्ता, दिनेश कुमार, ये वो सभी नाम हैं जिनके तबादले किए गए हैं। श्री दिनेश कुमार, सुबीर कुमार, ये दिनेश कुमार जिनको प्रमुख शासन सचिव कृषि और उद्यानिकी विभाग राजस्थान जयपुर से तबादला किया गया है, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन मंत्रिमंडल सचिवालय। सुबीर कुमार जिन्हें प्रमुख सचिव माननीय राज्यपाल राजस्थान जयपुर से तबादला, प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय जन अभियोग। श्री नवीन जैन, पृथ्वीराज, डॉक्टर पृथ्वीराज, ये तबादले सूची आपको लगातार वो नाम बता रहे हैं जिनमें तबादले किए गए हैं, अलग अलग जगह पर ये तबादले हुए हैं। राजेंद्र विजय जिनका तबादला किया गया है, भू प्रबंध आयुक्त एवं पदे निदेशक बंदोबस्त राजस्थान जयपुर से, और अब उनको विशेष अधिकारी बालोत्रा नियुक्त किया गया है। हरजीलाल अटल सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग जिनको विशेष अधिकारी सांचौर बनाया गया है। नम्रता वृष्णी इनको संयुक्त शासन सचिव वित्त कर विभाग जयपुर से ट्रांसफर किया गया है, विशेष अधिकारी कुचामन डीडवाना बनाया है। खजान सिंह जी इनको सदस्य राजस्व मंडल अजमेर से विशेष अधिकारी केकड़ी नियुक्त किया गया है, यानी वहां पर उनका ट्रांसफर हुआ है। शुभम चौधरी आयुक्त उद्यानिकी राजस्थान जयपुर, और वहां से उनको विशेष अधिकारी कोटपुतली बैरोड बनाया है। आपको नाम पढ़ के पहले बता देते हैं, पूजा कुमारी पार्थ, अंजलि राजौरिया, सीताराम जाट, शरद मेहरा, ओम प्रकाश बैरवा, जसमीत सिंह संधु, प्रताप सिंह, डॉक्टर मंजू, रोहिताश्व सिंह तोमर, अर्तिका शुक्ला, ये वो सारे आईएएस के नाम हैं जिनके तबादले किए गए हैं। और इसी कड़ी में और भी नाम है, वो नाम भी आपको बता देते हैं। वीनू गुप्ता, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, शुभ्रा सिंह, कुंजीलाल मीणा, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर से उनको महानिदेशक इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान ट्रांसफर किया गया है दूसरा विभाग। आलोक गुप्ता, दिनेश कुमार, सुबीर कुमार, नवीन जैन, डॉक्टर पृथ्वीराज, ये वो सारे नाम हैं जिनके तबादले किए गए हैं। ये सूची आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज सुपर एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहा है, जहां नई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं तो ट्रांसफर भी किया गया है। भानु प्रकाश अटरू, रवि जैन, जोगाराम, ये शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग परियोजना निदेशक राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना से, इनको आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भंवरलाल मेहरा संभागीय आयुक्त अजमेर से, इनको रजिस्ट्रार सदर सरदार पटेल विश्वविद्यालय पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय जोधपुर शिफ्ट किया गया है, ट्रांसफर किया गया है। जितेंद्र कुमार उपाध्याय, सुधीर कुमार शर्मा, प्रतिभा सिंह, डॉक्टर प्रतिभा सिंह के अलावा चौथी नाम मीणा, महेंद्र चंद्र शर्मा, महेश चंद्र शर्मा, चित्रा गुप्ता, घनेन्द्र भान चतुर्वेदी, करण सिंह, विश्राम मीणा, जितेंद्र कुमार सोनी, विश्वमोहन शर्मा, बहुत सारे इसमें नाम है जो आपको हम बता रहे हैं और जिनको अब ट्रांसफर किया गया है। लक्ष्मण सिंह कुड़ी, नलिनी कठोतिया, राजेंद्र सिंह शेखावत, मेघराज सिंह रत्नु, अनुप्रेरणा सिंह कुंतल, शक्ति सिंह राठौर, नकाते शिव प्रसाद मदन, हरिमोहन मीणा, प्रेम सुख बिश्नोई, टीकम चंद बोहरा, अंशदीप, आलोक रंजन, महावीर प्रसाद मीणा, पुखराज सेन, अरुण कुमार पुरोहित, ये सारे वो आईएएस के नाम आपको बता रहे हैं, वो लिस्ट, वो अधिकारी जिनके तबादले किए गए हैं, चाहे वो विभाग से हो या फिर शहर बदलना हो, वो सभी नाम, पुखराज सेन का, अरुण कुमार पुरोहित का, अजय सिंह राठौर का, भारती दीक्षित, खुशहाल यादव, लोक बंधु घनश्याम, श्वेता चौहान, श्री अक्षय गोदारा, डॉक्टर सौम्या झा, इसके अलावा अपर्णा गुप्ता, उत्साह चौधरी, मयंक मनीष, कनिष्क कटारिया और सहयोगी हमारे साथ डॉक्टर ऋतुराज जुड़ गए। ऋतुराज, ये लिस्ट जारी हुई है और करीब 74 नाम इसमें बताए जा रहे हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से बताएं कौन कौन से नाम, कितने तबादले हुए हैं, कौन से नाम हुआ है। सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो यूडीए से कुंजीलाल मीणा को यहाँ पर विदाई हुई है और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में महानिदेशक बनाए गए हैं। इसके साथ ही शुभ्रा सिंह को
जयपुर बुला लिया गया है, जो चिकित्सा में अब अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगी और पीएचईडी का जिम्मा आप संभालते नजर आएंगे सुबोध अग्रवाल, क्योंकि खान के साथ ये पीएचईडी की जिम्मेदारी थी, अब उनसे खान विभाग ले लिया गया है और खान विभाग ले लिया गया तो इससे में हम मान सकते हैं। आलोक गुप्ता को राज्यपाल महोदय का प्रमुख सचिव बनाया गया है, दिनेश कुमार यहाँ पर मंत्रिमंडल सचिवालय और जीएडी की जो प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी निभाएंगे, यह भी बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि जितेंद्र उपाध्याय अभी तक सचिव के स्तर पर ये जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। सुबीर कुमार को अब प्रशासनिक सुधार विभाग में बुला लिया गया है, काफी समय से राज्यपाल के पास थे, राज्यपाल के प्रमुख सचिव बन के इन्होंने सेवाएं दी थी और डॉक्टर पृथ्वीराज जो चिकित्सा में काफी समय तक अभी रहे थे और अभी जो हड़ताल थी ऐसा माना जा रहा था, हड़ताल के कारण काफी रोष भी था, उनको कृषि में सचिव बनाया गया है। भानु प्रकाश एटोरू को आयुर्वेद की जिम्मेदारी यहाँ पे दी है, गृह विभाग में इनको जिम्मेदारी दी और एक और बड़ा चेंज रवि जैन के रूप में सामने आता है जो जेडीसी थे और अब पंचायती राज सचिव की जिम्मेदारी निभाएंगे, तो जेडीसी पद से उन्हें मुक्ति मिली है और यहाँ पर जेडीसी जो बनाए गए हैं वो डॉक्टर जोगाराम बनाए गए हैं और एलएसडी की अभी तक ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जितेंद्र उपाध्याय जो जीएडी में थे उनको डब्ल्यूसीडी का अहम जिम्मा सौंपा है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक बड़ी सूची जिसकी काफी समय से प्रतीक्षा थी और ये कहा जा रहा था कि अब जब ये महंगाई राशि भी और ये सब समाप्त हो जाएगा जब जाके ये निकलेगी, लेकिन ये सूची एक प्राथमिकता के आधार पर एक जरूरत के आधार पर तुरंत निकाली गई है। एक बड़ा चेंज महेश चंद्र शर्मा के रूप में सामने आता है जिन्हें एलएसडी सचिव बनाया गया है, तो यह एक बहुत बड़ा चेंज। यहाँ पर ज्योतिराम मीणा जो संभागीय आयुक्त बनाए गए हैं अजमेर के, तो वही राज्य निर्वाचन आयोग में काफी समय से तीन चित्रा गुप्ता अब उन्हें स्कूल शिक्षा में विशिष्ट सचिव की जिम्मेदारी दी है, तो 74 जो आईएएस की एक बड़ी लिस्ट जिसकी बहुत समय से प्रतीक्षा थी और कलेक्टर यहाँ पर बदलाव कलेक्टर स्तर पर भी देखा जा सकता है क्योंकि जो जो कलेक्टर थे झुंझुनू के लक्ष्मण सिंह कुड़ी उन्हें उद्यानिकी आयुक्त यहाँ पर बनाया गया है। अनुप्रेरणा सिंह कुंतल हाल ही में एपीओ हुई थी और बहुत चर्चित ये मामला हुआ था, अब उन्हें प्रशासनिक सुधार में विशिष्ट सचिव की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। शक्ति सिंह राठौड़ को देवस्थान विभाग में लगाया गया है विशिष्ट सचिव, तो जो नीचे के स्तर पर जो चेंज है वो तो चेंज है ही और कलेक्टर के स्तर पर हम बता दें कि कम से कम जो कलेक्टर बदले गए हैं वो करीब आधा दर्जन कलेक्टर यहाँ पे बदले गए हैं, उपखंड अधिकारियों की में भी बदलाव हुआ है, जो जिला परिषद सीओ है उस स्तर पर भी आधे दर्जन करीब जिला परिषद सीओ इधर उधर हुए हैं और खास में तौर पर जो स्मार्ट सिटी से जुड़े जो वर्क है उसको लेकर भी बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो गृह विभाग में संयुक्त सचिव बनाए गए हैं उपकार चौधरी, ये एक नया नाम हम कह सकते हैं और ललित गोयल को जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद में सीओ उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर दी है, तो काफी बड़ी लिस्ट काफी बड़ा बदलाव यहाँ पर देखा जा सकता है जी। और खास लिस्ट की एक प्रमुख बात किस तरह से एक चर्चा हो रही थी कि जो यूडीएस में घूसकांड हुआ उसके बाद से क्या कुंजीलाल मीणा को निवृत्त किया जाएगा, वही हुआ है, ऐसा माना जा रहा था पहले एपीओ किया जाएगा लेकिन उनको कुंजीलाल मीणा जी को जो है तबादला सूची में यहाँ पे दे दिया गया है पंचायती राज संस्थान और शुभ्रा सिंह को यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी चिकित्सा की मिली है। इसी तरह से अब हम मान सकते हैं कि शुभ्रा सिंह काफी अरसे से जो प्रमुख आवासीय आयुक्त का जो पदभार संभाले हुए थी शुभ्रा सिंह जो दिल्ली में उनको उनकी जयपुर यहाँ पर वापसी हुई और जयपुर वापसी के साथ ही उनको बड़ा जिम्मा चिकित्सा का दिया गया है, तो हम मान सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी और मुख्य धारा में लौटने की यहाँ पर कोशिश। इस तरह से नवीन जैन के लिए हम मान सकते हैं कि स्कूल शिक्षा में वापस ये आ गए हैं जो पंचायती राज में थे और डॉक्टर पृथ्वी जो सचिव चिकित्सा थे अब उनको कृषि की जिम्मेदारी दी है, तो कहीं ना कहीं एक असर देखने को मिल सकता है। जो बजट घोषणा इम्प्लीमेंटेशन का काम किस तरह से चिकित्सा में किया जाए, जो नए पीएचसी बने हैं
या जो मेडिकल कॉलेज बने उसको और जो टी रविकांत थे जो चिकित्सा शिक्षा में प्रमुख सचिव है उनको यहाँ पर अहम जिम्मेदारी पहले दी गई थी तो वो एसडीटीएस रखी गई है। तो यदि विनु गुप्ता की बात करें तो उनको खान एसडीएस बनाया गया है, खान की अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो उद्योग में थी अब तक तो ये माना जा रहा है कि जो अब तक अन्य विभाग में थे जो कम अहमियत के पद थे उनमें उन आईएएस अधिकारियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की गई है। इनमें विनु गुप्ता है, शुभ्रा सिंह शामिल है, शुभ्रा सिंह को चिकित्सा की अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से सुबोध अग्रवाल के पास से जो खान विभाग है उसकी जिम्मेदारी हटाकर अब यह जिम्मेदारी विनु गुप्ता को दी गई है जी। और बड़े नामों में दिनेश कुमार का नाम शामिल है, उन्हें काफी समय से कृषि विभाग में लगाया हुआ था, अब उन्हें जिम्मेदारी दी है जीएडी की। जीएडी का जो महत्वपूर्ण विभाग है उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है। जो जिस तरह से जो सर्विस डिलीवरी है या फिर जो तमाम तरह के जो सर्किट हाउस से रिलेटेड काम है या फिर जो जो नागरिक उड्डयन से जुड़े जो काम है इन तमाम बातों के वो करेंगे। सुबीर कुमार की सचिवालय में यहाँ पर वापसी देखी गई है, प्रशासनिक सुधार में प्रमुख सचिव की अहम जिम्मेदारी संभालेंगे। अभी तक राज्यपाल के प्रमुख सचिव थे और वहीं पदोन्नति विभाग सचिव से प्रमुख सचिव वहाँ पर बनाए गए। और नवीन जैन की बात करें तो स्कूल शिक्षा में आ गए हैं, काफी समय पंचायती राज में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, खासतौर पर अभी सरपंच के आंदोलन में जब वार्ताएं हुई उस दौर में भी ये काफी सक्रिय रहे। भानु प्रकाश हेटूरु जो कि अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक बन कर गए थे, अब लौटने के बाद गृह सचिव के बजाय आयुर्वेद सचिव का यहाँ पर जिम्मा संभालेंगे। इसी तरह से रवि जैन को जेडीसी पद से मुक्ति मिली है और अब वो पंचायती राज में सचिव होंगे, तो उनकी भी सचिवालय में वापसी हो गई है। ठीक है ऋतुराज, और देखिए कुछ ऐसे नाम जैसे नवीन जैन को आप ले लीजिए कि उनके पास पहले शासन सचिव पंचायती राज राजस्थान था, अब शासन सचिव स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग और पंचायती राज है, यानी उनकी जिम्मेदारी बड़ी ही है। पंचायती राज चूंकि एक बड़ा महकमा है, सबसे बड़े बजट वाला महकमा था और उनके पास अभी तक उन्होंने बखूबी ये जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन अब ये इस महकमे में अब स्कूल शिक्षा जो भी एक बड़ा महकमा है तो यह उनको जिम्मेदारी दी गई है। अपर्णा अरोड़ा पहले से ही स्कूल शिक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, तो ऐसे में उनके साथ किस तरह से पहले जब पंचायती राज में थी अपर्णा अरोड़ा तो वो तालमेल था, तो वो किस तरह से आगे तालमेल जारी रह सकता है वह देखने वाली बात होगी। इसी तरह से जो जेडीसी नए बनाए गए हैं। अच्छा एक चीज और ऋतुराज, क्या इसमें किसी की जिम्मेदारी को बढ़ाया गया है, यानी विभाग जो है उसके अलावा अतिरिक्त जो जिम्मेदारी है वो भी दी गई है? देखिए अगर हम बढ़ाना और घटाने की बात कहते हैं तो सुबोध अग्रवाल का नाम सामने आता है जिनके पास पीएचईडी और खान दोनों विभाग थे, दोनों ही बड़े विभाग थे, तो उनको खान से मुक्ति दे दी गई है और खान विभाग अब जो विनु गुप्ता हैं वो देखेंगी और खान विभाग का उनको एक जिम्मा सौंपा गया है। इसी तरह से उनको जो उद्योग वाणिज्य और विनु गुप्ता वो भी एक जो है कह सकते हैं कि अनुभवी अधिकारी वो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।